हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गेम राय देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार प्रोफेसर ने वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों टीचर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्राइवेट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है और दोस्तों काफी अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आपको काफी अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्राइवेट स्कूल की पूरी जानकारी देंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। दोस्तों पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों इस वीडियो के एंडिंग में हम आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो इस वीडियो में कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस स्कूल में ये वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों स्कूल का नाम है हेलिचर वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर, दोस्तों जिसको HVEC के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि जो टीचर की वैकेंसी है वो कैसी है, मतलब फ्रेशर के लिए है या फिर एक्सपीरियंस टीचर के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि एक्सपीरियंस टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें कितने सालों का मांगा गया है, तो दोस्तों इसमें ईयर मेंशन नहीं है कि कितने सालों का मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आपने कहीं भी अगर 6 महीने भी पढ़ाया है तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन कैसे करेंगे वो दोस्तों हम आगे आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे और पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें प्रॉपरली मेंशन है कि ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो न्यूज है वो आपको क्या है, हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर मिलेगी। तो दोस्तों 26 मार्च का जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर में जो हिंदी का आता है उसमें आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों उनका एडवर्टाइजमेंट काफी अच्छे से आया है, उसको आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम पॉइंट बात करते हैं कि इसमें जो है जो ऑल सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं तो क्या कोई भी टीचर अप्लाई कर सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों कोई भी टीचर इसके लिए क्या अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर बात आता है कि अप्लाई आपको कैसे करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों आप घर बैठे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको कॉलेज जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको अपना रिज्यूम या फिर CV अपना क्या है मेल ID पे डालना होगा। तो दोस्तों इसकी जो मेल ID है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा जिससे कि आपको जो मेल आईडी जब आप डालें तो सही तरीके से आप डाल पाएं। तो दोस्तों मेल आईडी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो स्कूल है वो कहां पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्कूल आपका C ब्लॉक पनकी में स्थित है और दोस्तों ये जो कानपुर शहर है इसमें ये स्कूल पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस स्कूल के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों IITN महेश सिंह चौहान जी इसके क्या है चेयरमैन है और दोस्तों काफी अच्छे से इस स्कूल को चला रहे हैं और दोस्तों काफी अच्छी जो वैकेंसी आती है हर साल और दोस्तों यहां पर क्या सैलरी भी काफी अच्छी दी जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लोगों के मन में आता है कि सैलरी कितना मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉर्मल स्कूल होते हैं दोस्तों उससे काफी अट्रैक्टिव सैलरी स्कूल में दी जाती है। अब दोस्तों डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन दोस्तों तो सैलरी की जो जानकारी है वो एग्जैक्ट अमाउंट कभी भी मेंशन नहीं होता है और दोस्तों ना ही मेंशन था। तो दोस्तों सैलरी आपको काफी अच्छी दी जाएगी। दोस्तों यदि आप एक अच्छे टीचर है दोस्तों डेफिनेटली आप क्या है इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बस आपका TGT और PGT में से कुछ भी आपका होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका ये है और आपको एक्सपीरियंस है तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस जॉब वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों घर बैठे अप्लाई करना है, केवल आपको CV या फिर रिज्यूम क्या है मेल आईडी पे डाल देना है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने आपके लिए 2 प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों पहली प्लेलिस्ट है आपकी होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में हमने काफी वीडियोस डाले हुए रिगार्डिंग टीचिंग, जैसे स्कूल में डेमो देते समय किन चीजों का सावधानी रखना चाहिए, डेमो क्लास कैसे देनी चाहिए, प्रिंसिपल से कैसे बात करनी चाहिए। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जितने टीचिंग के वीडियो हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, उस प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। अब दोस्तों इसके बाद हमने सेकेंड प्लेलिस्ट भी बना रखी है। दोस्तों सेकेंड प्लेलिस्ट का नाम है आपका प्राइवेट टीचर वैकेंसी। और दोस्तों हमने दूसरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है प्राइवेट टीचर वैकेंसी। तो दोस्तों जितनी भी प्राइवेट टीचर की वैकेंसी आती है तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो होते हैं वो सारे के सारे वीडियो ऐड करते जाते हैं।
तो दोस्तों जो पहले वैकेंसी आई थी उनके वीडियोस भी आप देख सकते हो, और दोस्तों जो भी आगे भविष्य में वैकेंसी आएंगी तो वो सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे प्राइवेट टीचर वैकेंसी नाम की पेज में। दोस्तों जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखाई देता होगा, पहले होम होता है, फिर वीडियो होता है, फिर दोस्तों प्लेलिस्ट होता है। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्राइवेट टीचर वैकेंसी। दोस्तों इस प्राइवेट टीचर वैकेंसी में जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, दोस्तों आपकी जितनी वैकेंसी आती रहती है वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।